तक प्रधानमंत्री मोदी आकाश विजयवर्गीय के व्यवहार से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से विधायक जिन्होंने मारपीट की थी बैट लेकर, और प्रधानमंत्री ने उनके इस हरकत पर नाराजगी जताई है। आकाश विजयवर्गीय ने अधिकारी की बैट से पिटाई की थी। पीएम तीन तलाक बिल के दौरान सांसदों की कम उपस्थिति से भी नाराज हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात से नाराज हैं कि जो जनप्रतिनिधि बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और वो किसी सड़क के स्तर पर उतर कर अपने व्यवहार को नहीं जाहिर करेंगे। लेकिन आकाश विजयवर्गीय का व्यवहार ऐसा नहीं था। तमाम जगहों पर इसके चलते बीजेपी की खासी किरकिरी हुई थी। कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के महासचिव है, पश्चिम बंगाल के प्रभारी, उनके बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश में विधायक हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के आने के बाद से आखिरकार आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी और इशारा दिया कि वो खासे आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी और इशारा दिया कि वो खासे नाराज हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके विधायक, उनके नेता कम से कम राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखेंगे और समाज के बीच में कम से कम इस तरह के स्तर के दृश्य उनकी तरफ से कम नहीं होंगे। तो खासे नाराज आकाश विजयवर्गीय की हरकत से, जिनको इस सब के चलते जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि आकाश विजयवर्गीय को जेल से वो छूट भी गए, उनको जमानत मिल गई है, लेकिन बाहर आने के बाद भी उन्होंने कहा कि तंज कसते हुए कि कहीं दोबारा इस तरह का काम करने का मौका ना मिले, और उन्होंने कहा इस पर उन्हें पछतावा नहीं है। कम से कम अब आकाश विजयवर्गीय को इस पूरी खबर की गंभीरता समझ में आएगी, प्रधानमंत्री की नाराजगी भी समझ में आएगी। उम्मीद करेंगे इस तरह से प्रतिनिधि अपने व्यवहार में सुधार भी लाएंगे। सीनेटर राकेश कुमार सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश कुमार सिंह, अब तक प्रधानमंत्री चुप्पी थी प्रधानमंत्री के, लेकिन आज प्रधानमंत्री बोले, ये तस्वीरें कहीं ज्यादा जितना जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का व्यवहार था, आकाश विजयवर्गीय का व्यवहार था, उम्मीद यही लगी अब की प्रधानमंत्री और साथ ही बीजेपी आलाकमान खासा नाराज है। देखिए, साफ तौर पे बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों को नसीहत दी, और नसीहत न केवल दी बल्कि सीधे तौर पर कहा कि आकाश विजयवर्गीय की जो जिस तरह से भूमिका रही है, जिस तरह से उनकी तस्वीरें सामने आई, उसे बीजेपी कतई स्वीकार करना ये उचित नहीं है। तो साफ तौर पर सांसदों को नसीहत दी गई और आकाश विजयवर्गीय की जिस तरह से घटना सामने आई थी उसको लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराजगी जताई। राकेश कुमार सिंह, इसको लेकर कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में बड़ा मोर्चा खोल दिया था, और कांग्रेस ने सीधे सीधे अक्सर जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, कांग्रेस ने उनके विधायक की इस हरकत को लेकर सीधे प्रधानमंत्री को भी निशाने पर लिया था, तो कहीं बहुत दबाव में भी दिख रही थी बीजेपी और प्रधानमंत्री का कम से कम नाराजगी जाहिर करना बनता भी था। देखिए, प्रधानमंत्री जैसा कि आप जानते हैं राजीव, वो अलग दशा और दिशा तय करते हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं लेकिन हमें अपने ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिसका जो है जनता के बीच गलत संकेत है, और बीजेपी ये बराबर कहती रही है कि दूसरे से अलग पार्टी है, और ऐसी स्थिति में एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह का व्यवहार करता है उसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो आकाश विजयवर्गीय की जो तस्वीरें सामने है, जिस तरह से उन्होंने बल्ले से जिस तरह से एमसीडी के अधिकारी पर जो बैट चलाया था उसको कहीं न कहीं उसको लेकर प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताई है। लेकिन एक बात यहाँ पर खास है राकेश जी, यहाँ पर कि आकाश विजयवर्गीय ने पछतावा भी जाहिर नहीं किया, क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या विश्लेषण करते हैं आप प्रधानमंत्री की भंगिमा को देखकर, जब प्रधानमंत्री ने नाराजगी की बात कही, क्या आकाश विजयवर्गीय इस पर पछतावा जता सकते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। देखिए, आकाश विजयवर्गीय अब ये जब बातें सामने आई है तो उनके पास अब इस तरह की एक तो कारनामे न करेंगे, दूसरी तरफ ये है कि उनकी ओर से जरूर बात आएगी कि अगर प्रधानमंत्री ने इस तरह की बातें कही है तो उन पर वो अपना पछतावा कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे शब्दों में एक नसीहत न केवल सांसदों को बल्कि जनप्रतिनिधियों को दिया है कि इस तरह की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर बीजेपी।